मन को शांति और सुकून देती है ये बातें। ईश्वर की बनाई सृष्टि नहीं देखी, दिलों में छिपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं होते, शायद उज्जैन में महाकाल की दहलीज नहीं देखी। अयोध्या वापस आने पर माँ कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है। धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते हो तो कम से कम जटायु तो बनो। हाँ, मैं घमंडी, मैं पापी, मैं ताकत का प्रतीक हूँ। हाँ, मैं वही रावण दशानन और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तुम श्री राम ही बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। मुझ में बुराई, खुद में अच्छाई ढूंढते हो? सब जानता हूँ, मुझसे बड़े तो तुम रावण हो। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। ताकत विचारों में होनी चाहिए, वरना हथियार तो देवी देवता रखते हैं। कभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रहते हैं और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। सुना है बाप की लाश को केवल बेटा ही अग्नि देता है, फिर रावण को हर साल जलाने वालों का रावण से कौन सा रिश्ता है? जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो भाग्य अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं कि अगर सिर पर महादेव का हाथ हो तो लकीरों की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अगर तुम्हारा आज कठिन है तो जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा हो। याद करो उन दिनों को जब पहले भी तुमने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी सहारे के खुद को संभाला था। तुम तब भी हिम्मत हार कर आगे बढ़ चले थे, तो अब तो तुम ये जानते हो कि तुम सच में कर सकते हो, तो अब क्यों हारना है? अब तो तुम्हें जीतना आता है। प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दिखा दी कि दुनिया तुम्हारी सफलता और योग्यता का आकलन तुम्हारी कमाई से लगाएगी, तुम्हारी आमदनी के हिसाब से तुम्हें इज्जत दी जाएगी। तो निराश भी मत होना और हैरान नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है, मगर तुम वो करना जिसमें तुम्हें सुकून हो और इस दस्तूर का हिस्सा तुम मत बनना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।